हे गाइस, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? तो अभी 8 बज चुका है, हम उठ के आ गए हैं छत पे, थोड़ा टहलते हैं, उसके बाद यहाँ से बगस वगस करके निकलेंगे। आज 6-7 बजे बारिश भी हुई है और सवेरे सवेरे धूप भी निकल गया है। देख पा रहे हैं इधर छत्ता भींगा हुआ है। बारिश हुई है, पानी लगा हुआ है कहीं कहीं। आज भी काफी धूप होगी लग रहा है। अब पहले एक दो को लेक्चर पढ़ लेते हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। दिन का 11:30 हो चुका है, अब चलते हैं खाना बनाने के लिए। चावल हो चुका है, सब्जी बन रहा है, अब निकल रहे हैं नहाने के लिए। खाना हो चुका है, अब लिख रहे हैं असाइनमेंट। बहुत सारा असाइनमेंट पड़ा हुआ है लिखने के लिए, सबमिट करने का भी समय आ चुका है। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, बादल छा गया है पूरा, लगता है कि बारिश होगा। जाते हैं छत्ता पे, कपड़ा है लेके आते हैं पहले। काफी बादल छा गया है, बस बारिश निकल ही गई है, हल्का बूंदा बूंदी निकल रहा है। सुबह धूप बहुत ज्यादा थी, 8 बजे तक सो के उठे थे, 8-7 बजे लगभग, काफ़ी धूप हो गई थी। लग रहा था कि आज फिर से धूप ही रहेगा, लेकिन अचानक से मौसम ख़राब हो गया है। आज गया में बारिश हो रही है, लगभग 2 घंटा से बारिश हो रही है। हाँ, बिल्कुल सुलह सुलह बरस रही है, उतना भी फ्लुएंस ज़्यादा नहीं है। बहुत दिनों के बाद आज बारिश हो रही है गया में। आ गए हैं छत्ता पे अब टहलने के लिए। थोड़ा सा बारिश अभी रुकी हुई है, बूंदा बूंदी पड़ रहा है बारिश का, देख पा रहे होंगे आप लोग। फल्गु नदी में पानी लगने लगा है बारिश के कारण, बस बारिश के ही मौसम में यहाँ पे पानी रहता है फल्गु नदी में। बारिश के मौसम में ही पानी रहता है फल्गु नदी में, उसके अलावा पूरा बालू ही बालू नजर आता है बारिश के मौसम के अलावा। बस 5 दिन बारिश होना बंद हो जाए ना, फल्गु नदी का तो पानी ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारा असाइनमेंट आज लिखे हैं और बहुत अभी बाकी है, पहले खाना बना लेते हैं। 7 बज चुका है रात का, उसके बाद फिर से लिखना पड़ेगा। रोटी बना लिए हैं, अब जा रहे हैं खाने के लिए। रोटी बन चुका है इधर, बहुत स्वादिष्ट सब्जी बन रहा है इधर, सोयाबीन और आलू उबाल के।
आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद।